गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा विषय है बेटा काल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि काल कहते किसे हैं। सबसे पहले काल की परिभाषा पढ़ते हैं हम। क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को हम काल कहते हैं। अब आगे आते हैं काल के भेद। काल के तीन भेद होते हैं। नंबर वन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले हम जानते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। बीते हुए समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम भूतकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन स्कूल गया था, राधा दूध पी रही थी। नेक्स्ट आता है वर्तमान काल। चल रहे समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनिका साइकिल चला रही है, नेहा सो रही है। नेक्स्ट वन है भविष्यत काल। आने वाले समय का बोध कराने वाले क्रिया के रूप को हम भविष्यत काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित फल खाएगा, मनीष सिनेमा देखने जाएगा। ये था बेटा आज का आपका विषय काल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।